शाहरुख खान इस दुनिया की टॉप सेलिब्रिटीज में से एक है और मैं शाहरुख खान से मिलने वाला हूँ। नहीं हो रहा ना भरोसा? होगा भी नहीं, देखते जाओ बस। दिस इज डे वन ऑफ मी ट्राइंग टू मीट शाहरुख खान। दिस इज डे टू, डे थ्री, डे 25, डे 27 ऑफ डे 28। दिस इज डे 30 ऑफ मी ट्राइंग टू मीट शाहरुख खान। तो फाइनली आई मेट शाहरुख खान। तो हे, मेरा नाम आकाश पिल्ले और मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं कि ये सीरीज शुरू कहाँ से हुई। तो आजकल ना गिवअप मेंटालिटी बहुत चल रही है कि ये नहीं हुआ तो गिवअप कर दो, कुछ और कर लो। तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अगर तुम कोई सपना देखते हो तो जब तक वो सपना पूरा नहीं हो जाता तब तक कोशिश करनी चाहिए, अरे छोड़ नहीं देना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं शाहरुख सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। 5 साल का था मैं जब पहली बार उनकी मूवी ओम शांति ओम और चक दे इंडिया देखी, तब से ही फैन हो गया बस उनका। और इसलिए मैं उनका फैन नहीं हूँ क्योंकि वो अच्छी एक्टिंग करते हैं, गुड लुकिंग है। मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज भी देखे और मम्मी पापा ने बताया कि वो एक बहुत बड़े स्टार है, तो उन्होंने मुझे बड़े सपने देखना सिखाया, इसलिए मैं उनका इतना बड़ा फैन हूँ। और रही बात गिवअप मेंटालिटी की, तो मैं एक सीरीज शुरू करना चाहता हूँ जिससे मैं अपने बचपन का सपना भी पूरा कर लूँ और ये भी प्रूव कर दूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं नहीं कह रहा तुम किसी के घर के बाहर बैठो उनका इंतजार करो, बस मैं एक एग्जांपल सेट करना चाहता हूँ कि अगर तुम एक गोल सेट कर लो और मेहनत करो तो वो गोल अचीव हो जाता है। तो 28 अगस्त 2023 मैं अपनी जर्नी शुरू कर रहा हूँ। मैं शाहरुख खान के घर बैठ जाऊंगा और मैं वहां से तब तक नहीं मिलने वाला जब तक वो मुझसे मिल नहीं लेते। दिस इज डे वन ऑफ मी ट्राइंग टू मीट शाहरुख खान। तो डे वन तो कुछ खास नहीं था, मैं बस वहां बैठा था नॉर्मली सुबह से रात तक और चीजें नोटिस कर रहा था कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकता हूँ मैं। फिर रात को पुलिस आती है और सबको वहां से हटा देती है। फिर डे टू पे मैंने सोचा कुछ नया करते और लोगों का अटेंशन ग्रैब करते, तो मैं एक बोर्ड लेके बैठ गया और कुछ ही देर में वहां एकदम भीड़ जम गई थी। और सिक्योरिटी वाले ने मुझे बताया कि उन लोगों ने मेरे नाम की एक कंप्लेन कर दी है। मैं भी मुझे डराने के लिए बोला होगा, शायद मेरी वजह से वहां ट्रैफिक जाम हो गया था और लोगों को तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने भी बोर्ड हटा दिया। फिर आज भी रात तक कुछ नहीं हुआ। फिर डे थ्री पे शाहरुख सर वैष्णो देवी निकल गए और उसके अगले दिन वो जाने वाले थे चेन्नई जवान के ऑडियो लॉन्च इवेंट के लिए। तो डे फोर पे मैं भी निकल गया सीधा मुंबई से चेन्नई के लिए। मैंने सोचा मैं भी इवेंट अटेंड करूंगा और शायद वहां पे कुछ हो जाए, पर जब तक मैं चेन्नई पहुंचा शाहरुख सर वहां से निकल चुके थे। डे फाइव पे मैं उनकी प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने गया। डे सिक्स में किसी ने मुझे उनके प्रोडक्शन में किसी का नंबर दिया। डे सेवन पे मैंने ट्विटर पे आस्क एसआरके में ट्राई किया। डे एट पे मैं कपिल शर्मा शो में एंटर करने का ट्राई किया। डे नाइन पे उनके एक फैन पेज के एडमिन राहिल भाई ने मुझे कॉन्टेक्ट किया। मुझे लग रहा था कहीं वो ये सबसे इरिटेट ना हो जाए कि पीछे पड़ गया ये तो, और कहीं वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहते हो तो। तो डे 10 पे मुझे पता चला जवान की एक स्पेशल स्क्रीनिंग है YRF स्टूडियो में और मैं बाहर खड़े होकर उनका इंतजार करने लग गया क्योंकि अंदर तो एंट्री मिलने वाली थी नहीं। तो वहां खड़े पेपराजी ने मुझे देखा और वो सब मुझे कवर करने लगे। शाहरुख सर तो मिले नहीं, पर एक पेपराजी रील को उनकी मैनेजर पूजा मैम ने लाइक किया हुआ था, तो मेरा एक जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया कि उनको मेरी वजह से कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। फिर सब कुछ नॉर्मल जा रहा था, कुछ भी खास नहीं हो रहा था, लेकिन तभी डे 10 की रील हो गई वायरल और भी लोगों तक बात पहुंचने लगी, मिलियंस में व्यूज आने लगे, काफी सारे न्यूज आर्टिकल भी आने लगे मेरे बारे में। तो बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करने लगे। एक बंदा तो ऐसा भी था जो पूजा मैम को भी जानता था, तो उसने मुझे अपना नाम रिवील करने से तो मना किया, लेकिन उसने बोला नंबर रख लो पूजा मैम का, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, आई होप दिस हेल्प्स। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, मैं उनको कॉल करके उनको परेशान तो नहीं करना चाहता था। तो डे 14 पे मैंने उनको एक मैसेज डाल दिया, फिर तुम लोग इतना सपोर्ट कर रहे थे मुझे और मेरे इंस्टा पे भी 10K फॉलोअर्स हो गए थे। तो डे 15 पे मैं अपने 10 रैंडम फॉलोअर्स को जवान मूवी दिखाने ले गया एज अ थैंक यू जेस्चर। फिर पूजा मैम का रिप्लाई भी आ गया कि वो कुछ फिगर आउट करके सामने से मैसेज करेगी, पर मैं वो चीज रिवील नहीं करना चाहता था जब तक चीजें कंफर्म ना हो जाए। फिर डे 16 पे आ गया मेरा बर्थडे और मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन भी उनके घर के सामने ही किया। फिर डे 17 में हो गई मेरी थोड़ी तबीयत खराब, तो मैं जा नहीं पाया आज कुछ करने, थोड़ा डिमोटिवेट भी हो गया था कि 17 दिन से कोशिश कर रहा हूँ यार, मिलना तो दूर की बात है, शाहरुख सर मुझे अब तक दिखे भी नहीं है और मैं अपने बेड पे ही बीमार पड़ा हुआ था और उसी दिन वो अपने छत पे आए थे। डे 19 पे था जवान का प्रेस मीट फिर से YRF स्टूडियो में, फिर से मैं वहां पहुंच गया पर फिर मुझे अंदर घुसने नहीं मिल रहा था। वहां पे मीडिया वाले काफी सारे फैंस ऑलरेडी मुझे जानते थे पर कोई भी मेरी घुसने में हेल्प नहीं कर सकता था। फिर वहां पे मुझे मिले लतीफ भाई SRK सर के एक फैन पेज के एडमिन और उन्होंने मेरी हेल्प की एंट्री दिलवाने में, सो थैंक यू लतीफ भाई। तो 15 सितंबर 2023 पहली बार मैंने शाहरुख सर को इतने करीब से देखा और उनको अपना बोर्ड भी दिखाया और उनका ध्यान तक गया मुझ पे, लेकिन उस दिन भी मिलना नहीं हो पाया। फिर उसके एक दिन छोड़ के डे 21 पे शाहरुख सर फिर बाहर आए जवान की सक्सेस के लिए अपने फैंस को वेव करने और मैंने फिर उनको देखा। बाकियों के हाथ तो खाली थे लेकिन मैं अपना बोर्ड तो साथ में लेके चलता हूँ, तो मैंने फिर से उनको बोर्ड दिखाया
और आज उन्होंने फिर देखा मुझे और इस बार मुझे देख के वेव करके फ्लाइंग किस भी दी। डे 25 पे शाहरुख सर मुंबई के फेमस गणपति लाल बाग के राजा का दर्शन करने गए थे, तो मैं भी निकल पड़ा वहाँ के लिए। लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँचा वो वहाँ से निकल चुके थे। लेकिन अच्छा ही हुआ, दिल से बताओ तो मेरा भी मन नहीं था उस दिन उनसे मिलने का, क्योंकि वो अपने बच्चे के साथ, मैनेजर के साथ दर्शन करने आए, वो अपनी एक पर्सनल स्पेस में, और मैं उनकी पर्सनल स्पेस में घुसना नहीं चाहता था। फिर डे 26 पे काफ़ी डिमोटिवेशन हो गया, क्योंकि सपोर्ट के साथ साथ इस पूरी सीरीज में देयर वॉज कॉन्स्टेंट हेट कि नहीं कर पाएगा, बेरोजगार काम कर ले थोड़ा, ये करके क्या ही हो जाएगा एंड ऑल। जो शाहरुख सर के हेटर है वो मुझे भी हेट करने लग गए थे, और हेट कमेंट सेक्शन और डीएम तक तो ठीक है यार, बहुत लोग मुझे मन्नत के बाहर भी ढूंढने आते थे कि वो बोर्ड वाला लड़का कहाँ है, मिल गया तो उसको बताते हैं, दिख गया तो ये कर देंगे वो कर देंगे। टू बी ऑनेस्ट मैं भी डर गया था यार अब थोड़ा, क्योंकि घर के बाहर भी नहीं जा सकता अब मैं, और मेरी इस जर्नी के बारे में अब काफी सारे लोग जानते थे, काफी सारे लोग मेरी इस जर्नी को फॉलो करने लगे थे। तो मैंने एक ओपन लेटर बनाया शाहरुख सर के लिए और मैंने अपने सारे फॉलोअर्स से कहा कि उनको और उनके मैनेजर को टैग कर दो और उन तक बात पहुंचा दो। लेकिन मैंने धमकी वाली बात कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि मुझे इंटरनेट पर रो के सिंपैथी गेन नहीं करना था, और मेरी इस जर्नी को काफी सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे। मुझे मैसेजेस आते थे कि मैं तो दुबई में रहता हूँ, मैं तो मिल नहीं सकता, अगर तुम मिल लिए तो मुझे लगेगा मैं मिल लिया हूँ। और हेट तो 5% था, बाकी 95% बस प्यार और सपोर्ट था, और मेरे इंस्टा पे भी 100K फॉलोअर्स हो गए थे। तो मैंने सोचा एज अ थैंक यू जेस्चर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने 100 फॉलोअर्स को जवान मूवी दिखाने ले जाऊँ। सोचा तो बस 100 लोग का था, पर और लोग आ गए, सो वी बुक्ड ऑलमोस्ट द एंटायर थिएटर। पूरा थिएटर अपना ही था, और बाहर भी कुछ लोग बैठे थे जो मूवी देखना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मैं उनको भी अंदर ले लिया कि चलो साथ में देखते मूवी, और खूब सारा नाच गाने सीटियां खूब मजे किए, और सबने मुझे इतना प्यार, इतनी वेल विशेस दी, और इतना अच्छा लगा, एकदम से 30 दिन की थकान मानो यू मिट गई, पूरा मोटिवेशन आ गया वापस। लेकिन उनसे मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी फिलहाल। तो अब आता है डे 32, द टर्निंग पॉइंट। तो डे 32 पे मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ इशू हो गया था, और मैं रो रहा था कसम से रात को 11 बजे के अराउंड, बहुत ऐसे बुरा वक्त चल रहा था, मेरी पूरी उम्मीद मोटिवेशन सब मर गई थी, मुझे ऐसा हो गया था कि यार मेरे को करना ही नहीं है सब कुछ। उस दिन ऐसा मोमेंट आ गया था कि मैं ये सीरीज छोड़ने ही वाला था, लेकिन तभी मुझे सामने से शाहरुख सर की मैनेजर पूजा मैम का मैसेज आता है कि टुमारो इवनिंग ही विल मीट यू श्योरली। मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ कैसे हुआ, जिस इंसान से मैं झगड़ रहा था मैं उसको ही कॉल करके रो रहा हूँ कि यार हो गया सॉरी झगड़ने के लिए। मैं घर में पापा मम्मी को कॉल करके रो रहा था कि मम्मी हो गया। मेरे अंदर खुशी समाई नहीं रही थी, मैं चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, सबको बताना चाहता था कि हो गया है। इन 30 दिनों में मैंने इतनी गाली खाई है, हेट मिला है, धमकी मिला है, इतने लोगों ने डाउट किया है मुझ पर, पर तो मैंने करके दिखा दिया। लेकिन फिर मैंने खुद को शांत किया, क्योंकि जब तक मैं उनसे मिल नहीं लेता मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था, तो मुझे टाइम तो नहीं पता था। तो शाम शुरू होती है 4 बजे से, तो मैं 4 बजे ही वहाँ पहुँच गया और पूजा मैम को एक मैसेज डाल दिया कि आई एम हियर, और उन्होंने मुझे थोड़ा वेट करने को बोला, और वेट करते करते बज गए रात के 10। तो अब इतना लेट हो गया था, तो मेरे दोस्त ने मुझे थोड़ा फोर्स किया मैसेज करने को, और मैं डबल टेक्स्ट नहीं करना चाहता था कि उनको सही लगेगा कि नहीं, और मेरा दोस्त मुझे पुश करने लग गया कि अभी करके तो देख क्या पता हो जाए। फिर पूजा मैम ऑनलाइन आई, लेकिन उन्होंने मैसेज सीन नहीं किया, तो मुझे भी लगा कि वो शायद इरिटेट हो गई होगी कि मैं बार बार मैसेज कर रहा हूँ। फिर मैं अपने दोस्त को बोलने लगा कि यार मना किया था ना यार एंड ऑल, और मैं पूरी उम्मीद हार के वहाँ बैठा हुआ था। और रात को 10:30 बजे मुझे पूजा मैम का मैसेज आता है, यस कमिन नाउ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ, गेट पे बस मुझे एंट्री अलाउड थी, और घुसते ही मुझे मेरा फोन सबमिट करना पड़ा फॉर ऑब्वियस रीजंस। फिर मैं अंदर गया और मैं उनका वेट करने लगा, और तभी एक बंदा आया और उसने मुझे ये दिया और कहा शाहरुख सर ने भिजवाई है, शाहरुख खान ने मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक भिजवाई है यार, इसको जिंदगी भर पास रखूंगा अपने। और थोड़ी देर उनका वेट करने के बाद फाइनली आई मेट शाहरुख खान। मैं चाहता था वो मोमेंट रिकॉर्ड करके तुम सबको दिखाना, पर मेरा मोबाइल तो वहाँ सबमिट था, और वैसे भी यार अब मैं उनके घर के अंदर हूँ तो वो उनकी पर्सनल स्पेस है, तो अब जो भी होगा उनकी मर्जी से होगा, मैं से बिना पूछे रिकॉर्ड तो वैसे भी नहीं कर सकता था। तो उसके बाद हमने कुछ 10-15 मिनट बात की, और उसके बाद मुझे लगा कि यार मैं उनका कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, इतने बड़े आदमी है, तो मैंने ही कॉन्वर्सेशन खत्म की ये बोल के कि थैंक यू सर टाइम देने के लिए। और जाने से पहले मैंने उनसे हाथ मिलाया और कहा कि सर एक आखिरी चीज़ कहनी है, थोड़ा सा बड़ा लगेगा बट मेरा नाम आकाश पिल्ले है सर, ये नाम याद रखना, एक दिन साथ में काम करेंगे। तो उनको काफी सारे फैंस मिले होंगे जो रोते हैं, चिल्लाते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं, पर ये ऐसा कुछ था जो शायद उन्होंने कभी नहीं सुना था। तो उन्होंने मुझे देखा और अपनी प्यारी सी डिंपल वाली स्माइल दी और मुझे गले लगा के कहा जरूर, और बस वो अपने रास्ते निकल गए और मैं अपने रास्ते। तो बस इसी के साथ मीटिंग एसआर के सीरीज कम्स टू एन एंड। ऑब्वियसली मैं शाहरुख खान सर का फैन था और उनसे मिलना चाहता था, लेकिन इस सीरीज का मेन एम था ये प्रूव करना, इफ यू रियली वर्क हार्ड एंड यू आर डेडिकेटेड इनफ तो नथिंग इज इम्पॉसिबल।
मैं शाहरुख खान सर का फैन था तो मैं उनसे मिलने की कोशिश किया और एक एग्जांपल सेट किया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम भी उनके घर के बाहर बैठो और उनसे मिलो। तुम्हारा शाहरुख खान कुछ भी हो सकता है। तुम सीए बनना चाहते हो, तुम लॉयर बनना चाहते हो, तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो। मेरा पॉइंट बस ये है कि जिंदगी में एक गोल सेट कर दो और उस गोल के लिए पूरे दिल से मेहनत करते रहो, सब हो जाता है। और शुक्रिया हर उस इंसान का जिसने भी प्यार दिया, सपोर्ट दिया और जिसने हेट भी दिया, उनको भी प्यार। अकेला बोर्ड लेके निकला था, एक सपना लेके, तुम लोगों ने कहां से कहां ला दिया। वो शाहरुख सर का डायलॉग है ना, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। और अगर तुम्हें लगता है कि आकाश शाहरुख खान से मिल गया है एंड दिस इज इट, सो लेट मी टेल यू आई हैव जस्ट स्टार्टेड। देखते जाओ बस, अभी तो बहुत कुछ आने वाला है। तो मिलते हैं।